हजार साथी इंतजार। आज तिथि 23 मार्च 2022 को URMU अमृतसर वर्कशॉप ब्रांच के सेक्रेटरी कनवलबीर संधू ने प्रेस एसआई बात करते हुए एनपीएस को सिरे एसआई खारिज करते हुए सरकार को ऑप्स को लागू करने की पुरजोर अपील की और वतन के शहीदों सर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सलाम किया। सेक्रेटरी कनवलबीर संधू के अलावा ब्रांच प्रधान अमरजीत कलसी, बीएस पेड़ी, बलजिंद्र ददवाल, अमरजीत सिंह, सुखविंद्र सिंह, एपी सिंह, रमेश जी, राजेंद्र सिंह, हरजतिंद्र पाल तथा यूथ विंग के नवीनर सुखजीत संगू, नीरज सलूजा, दीप चंद, अमित शर्मा, रूपिंद्र लादी ने भाग लिया। रैली की गई है जिसे नेशनल प्रेसिडेंट और यूआरएमयू के प्रेसिडेंट ने और समुची इन्हों की कमेटी जी 200 के करीब डेलीगेट जी ने सारे हिंदुस्तान चो कवर हुए हैं। ये इन्होंने विरोध रैली की और कुछ दिन पहले मैं इन्हों का मुद्दा पार्लीमेंट चुकया है कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम ने इन्होंने 1500 रुपया 2000 पेंशन मिलनी गुजारा किमें होगा क्योंकि असं अंडर डिवेल्प कंट्री हैं। साढ़े जहाँ तक बुढ़ापा पेंशन मिलती हुई बहुत ज़्यादा 20,000-25,000 तो बंदे का गुजारा हो जाता सारी उम्र नौकरी करके जी रेलवे अरबा का कमाया करा के दी कमाई करके दी है देश चल साड़ी आर्थिकता चलती तो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम जी लागू कर सामने सारा कुछ प्राइवेट जा रहा एयरपोर्ट प्राइवेट एयरलाइना प्राइवेट और यह भी काफ़ी हद तक जो ट्रेना उपर चलनिया ने प्राइवेट ही ने सारा कुछ ही जोड़ा एक प्राइवेटिज्म वाल वध रहे हैं तो वो करके प्राइवेट बंद मुड़के जोड़ा पेंशन ना देनिया पैन सरकार पहले ही लागू कर दे नहीं तो जी पेंशन होगी जो बंदे हुए भर्ती उन्होंने पेंशन तो प्राइवेट होया कोई उन्होंने देनी पैनी एक बड़ा कारण है कि उन्होंने पेंशन ला दे। पहला तो चर्चा से वोटा तो बाद पेट्रोल डीजल की कीमत फिर तो बदल गई लगातार दो दिन हो गए कीमत वाधा हो रहा है बहुत बड़ा वाधा होया अच्छी वाला प्रोटेस्ट सा पार्लीमेंट चल रहा मैं अज इस प्रोग्राम करके पार्लीमेंट तो आया हमने मैं वापस पार्लीमेंट जा रहा और करियाना 45% बढ़ गया जो तुम अजे पता नहीं लग रहा बहुत दाला जीडिया ने 33 रुपये तो लैके 100 रुपये किलो तक वाधे हुए 33% तो लैके 80% वाधे हुए इस वे महंगाई जी लक तो रही पर सरकार जी सुती है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही पेट्रोल डीजल असं तुम्हें पहले क्या इलैक्शन मुक् लैन दो इन्होंने छड़ना नहीं इन्होंने उत्थे लै जाए तो ये असं यदा विरोध करते पार्लीमेंट भी कर रहे जे मुलाजम आ वो रेलवे दे विच नए साथी जनवरी 2004 तो आ चुके हैं वो सारे प्रभावित है उन्हां दी फैमिली सारियां प्रभावित है उन्हां नूं पेंशन की कोई गरंटी नहीं है। जेड़ा एक रनिंग स्टाफ है साडा वो गड्डी चलाउंदा उन्हां दा एक ऑलरेडी आज़ादी तो पहला एक नियम है कि रिटायरमेंट ते 55% उन्हां दी बेसिक पे दे विच जोड़ के उन्हां नूं पेंशन जिहड़ी मिलती है लेकिन इस स्कीम दे नाल वो 55% भी इन्होंने खत्म कर दिता और 1993-1927 के ग्रैचुटी एक्ट बनया मुताबक ग्रैचुटी जो तो रिटायर हुई दा एक अवार्ड हुंदा ग्रैचुटी मिलती सी अद्धे महीने तो 16.5 महीने की जिन्ने साल की सर्विस आध मिलता सी वो भी इन्होंने बंद कर दिता। इस करके देश का नौजवान देश का कर्मचारी इस ना बहुत ज़्यादा प्रभावित आ उन्हां दी लाइफ सिक्योरिटी नहीं है जदों रिटायर हो जाते हैं असी सानू इज्जत दे नाल अपने बच्चों तो हाथ अड़ना पौगा। डिवीजनल सैकटरी तो ब्रांच सैकटरी अमृतसर गल है कि जो डेलीगेशन है ये लगभग 300 जो मैंबर ने इंडियन रेलवे तो लगभग सारी स्टेटा तो आए हैं 300 के लगभग डेलीगेशन आया वे और नैशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैनस के जो जनरल सैकटरी ने श्री अहमद रोहिया जी वर्क जो प्रेजिडेंट ने श्री गुमान सिंह जी उन्हां दी देखरेख विच जिहड़ी आ अज दी मीटिंग दा गैस होया है सानू मान है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ते नैशनल फैडरेशन NFIR ते कि जिन्हां ने अज गुरु जी नगरी तो एम्पलाइयां दे हक विच इह शुरुआत की है क्योंकि जिहड़ा डेलीगेशन आया वे वो जो भी रोक फुरा तैयार करेगा असी एज ए यूनियन के सिपाही उसकी पालना करांगे। बिल्कुल जी जो भी सानू आदेश मिलेंगे अभी बड़ी इमानदारी यूनियन के सिपाही के नाते पालना करांगे। इन्हां शब्दों का धन्यवाद थैंक और मेरे सारे नाल जे साथी साडी भैण बीबी सरजीत कौर पाठ ब्रांच सैकटरी प्रेजिडेंट कलसी जी साडे एजीएस साहब मेदी जी और तमाम सारे मेरे साथी।
सब तो पहला अज 23 मार्च वाले दिन मैं अपने तह दिलों अमृतसर की धरती तो सरदार शहीद आजम भगत सिंह होना श्रद्धांजलि भेंट करता और उन्होंने सुपनों साकार करने वास्ते अज तो इतों एक कसम खावे जो अज का मुख मुद्दा न्यू पेंशन स्कीम। हरेक प्रोटैक्शन यूनिट जोड़े उन्होंने प्राइवेट हथा दे रहे उन्होंने खिलाफ अज अमृतसर की धरती तो NFIR के जनरल सैकटरी श्री रघवैया जी और उन्होंने URMU के सैकटरी श्री BC शर्मा जी अज हिंदुस्तान अमृतसर की धरती तो इन सारिया तमाम मंगा के खिलाफ एक व्डे पद्धर के उत्ते एक प्रदर्शन कर जा रहे हैं। ये गुरुआ पीर की धरती है, इतों अज कसम खा के सारे साथी तुरंगे और जी NPS है वो रद्द करवा के पिछे हटा, ये मेन मुद्दा NPS का अज जो है। अज के दिन असी तमाम साथियों के नाल तमाम सारे साथी इकट्ठे करके इस विरोध आवाज़ उठावे और जी दिल्ली बैठी सरकार है बोली बोली उन्होंने कानों तक पहुँचे। साडा ये संघर्ष लंबे समय तक चलूगा, जिन्ना चिर साडी ये मंग पूरी नहीं होंदी उन्ना चिर तक इदां ही साथी ये लड़दे रहेंगे और मंग पूरी करवा के